सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और हमेशा की तरह मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? 2 out of 2, हाँ जी, गुड टू आउट ऑफ स्टार्ट टू फॉर द ग्लैडिएटर। यस, 2 out of 2 कॉम्प्रिहेंसिव कहूंगा। 5 बॉलों पहले रन बना दिए और बहुत सारे चीजें देखें। वो 200 वाला जो फिगर है ना, वो माइंड में रखें। इस दफा विकेट मुझे अच्छी लग रही है शायद, ये ज्यादा, या तो लाहौर में शायद होस का मसला है, चेजिंग शायद इजी हो गई है इन दिनों में। लेकिन इट्स अ फैक्टर कि आप 200 रन बनाए तो आपको एक अलग इम्प्रेशन पड़ता है सामने वाले। शुरू हो जाए। और बात यह है कि अगर आज के मैच को हम जो है वो डिस्कस करें ना, तो उसमें सबसे बड़ी चीज तो जो हमें क्वेटा में नजर आ रही है वो एक अलग कॉन्फिडेंस उनके अंदर नजर आ रहा है। सेल्फ बिलीव उनका जो है ना, वो पहले मैच में ही, यानी उन्होंने मैच से पहले कुछ ऐसा काम किया है कि वो अपना सेल्फ बिलीव डेवलप करके आए। और पहले मैच में भी जिस तरह उन्होंने 200 रन बनाए थे, वो इस तरह, यानी जो प्लेयर आ रहा था कोई डर के नहीं खेल रहा था, सब इंटेंट के साथ खेल रहे थे। हालांकि एक बहुत बड़ा जो फेयर आता है वो ये आता है कि ये भाई लगता नीचे है उनके पास जो नंबर 6 के बाद उनके पास जो प्लेयर आ रहे होते हैं, नंबर 7 पे अकील हुसैन आ रहा है, तो वो अगर आप उनका टीम चार्ट देखें तो आपको ये लगेगा कि 6 के बाद नीचे सारे बॉलर हैं। हालांकि उस हिसाब से देखें तो हसनैन भी कुछ हिटे लगा लेता है, वसीम जूनियर भी कुछ हिटे लगा लेता है, अकील हुसैन बड़ी अच्छी हिटिंग करता है, लेकिन उनका कोई ऐसा प्रोवन रिकॉर्ड नहीं है कि आप ये कहें कि ये आपको कहीं पर बहुत लंबे, यानी कोई स्कोर करके देंगे अगर कहीं पर टीम को लैप्स हुई। लेकिन वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ऊपर के 6 प्लेयर्स का, उसने अब तक 2 मैचेस में तो काम किया है। ये जी ऊपर ओपनर आते हैं, वो आके अपना जो है वो पावर प्ले अच्छी तरह खेलते हैं जो मिसिंग थी पिछले 2-3 सीजन से। उसके बाद फिर जो प्लेयर सिलेक्शन है, ये राइली रूसो है, ख्वाजा नाफे है, फिर सरफराज है, फिर शरफेन रदरफोर्ड है, तो काफी ये लग रहा है कि टीम काफी बैलेंस है, ऑल बेसिस कवर्ड है, और उसकी बेस पर ये परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो रही है। और दूसरा लगातार मैच जो है, और एक मुश्किल टीम के खिलाफ बहरहाल लाहौर में पहली दफा लाहौर को हराया है। जो हेलो, रिकॉर्डिंग है स्टार्ट किया नहीं? हाँ है हाँ जी, रिकॉर्डिंग हाँ। तो चल रही है। मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा। आप देखें, टीम का कॉन्फिडेंस आता है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट से। ये जो माइंड गेम है ना, कि आप प्रेशर में रखो प्लेयर्स को तो प्लेयर परफॉर्म नहीं करते। हारिस रऊफ को आप देख लेंगे, उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से हटा दिया गया। अगर उसने नहीं खेलनी टेस्ट क्रिकेट तो नहीं खेलनी उसको। कम से कम अगर T20 में खिला रहे थे तो कम से कम T20 खिलाते रहे। हमने वनडे वर्ल्ड कप बिला वजह में खिलाया उसका। गलत वर्जन में गलत प्लेयर्स खेलेंगे और गलत माइंडसेट से खेलेंगे तो इसी तरह के रिजल्ट्स आएंगे। क्वेटा ने जो क्लैरिटी दी कि भाई सरफराज जैसे, नदीम उमर ने बैठ के वहां पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह तारीफ की और जिस तरह कहा कि भाई हमारे साथ 15 16 साल से 17 साल से खेल रहा है, हम ऐसे तो नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि ये एक प्रोफेशनल स्पोर्ट है, इसमें हमें सब फैसले लेने पड़ते हैं। तो ये बहुत अच्छा उनका स्टेप था। उससे सारी टीम को ये मिला कि भाई जिसको जो परफॉर्म कर रहा है, जिसने नाम कमाया है, उसको इज्जत मिलेगी। इस तरह नहीं हुआ जैसे विम रिचर्ड जैसा बड़ा नाम जुड़ा हुआ है क्वेटा से शुरू से ही। तो एक अच्छा साइन है इन्होंने उसको, जो उनकी एक एक रेपुटेशन है उसको बैक करते हुए 2 विन्स ली। लाहौर कलंदर के लिए तो मैं नॉर्मली वो नहीं करता, लेकिन जिस तरह की फील्डिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कोई क्लब लेवल का। क्योंकि मैं फिर वही अपनी बात दोबारा रिपीट करने वाला हूँ उस वक्त के, भाई अब नवे सीजन में अब टीमें जो है ना प्रॉपरली, मतलब एक एक सिस्टम के थ्रू टीम में प्लेयर्स आए और वो प्लेयर्स परफॉर्म करके फिर इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के लिए खेलें। और नाफे की स्टोरी सैफी भाई ने जैसे बताई कि भाई लास्ट ईयर वो सिर्फ फेसबुक पे वीडियोस अपनी अपलोड करता था तो बीबीएल में सिलेक्ट हो गया था, और उसके बाद अब जो है वो कराची में खेल रहा था क्लब से। तो क्वेटा ग्लैडिएटर ने जो है वो इनको पिक किया है। तो बैक चले ऑफ अब ये बहुत अच्छी स्टार्ट है।
इसको बैक करना चाहिए क्वेटा को। अब हम बात करते हैं ख्वाजा नाफे की और सऊद शकील, छोटा डॉन। सऊद शकील आपको पता है छोटा डॉन के नाम से मशहूर है, बाबर आजम ने हाँ उसका उसने नाम वो रखा है जो छोटा डॉन। तो छोटे डॉन ने और ख्वाजा नाफे ने जिस तरह की बैटिंग की है, यानी आप पहले मैच में भी देखें तो सऊद शकील ने जिस तरह की इनिंग खेली थी और आज भी जिस तरह वो फियरलेस इनिंग खेल रहा है, मेरा वो जो कहते हैं ना एक जो बिलीफ है वो इस चीज के ऊपर बढ़ता जा रहा है कि आपको अगर T20 भी खेलनी है ना तो आपके पास करेक्ट टेक्निक वाले प्लेयर होने चाहिए जिनको हिटिंग आती है। तो आज वो ख्वाजा नाफे ने जिस तरीके से बैटिंग की है, खैर अभी कहना तो बहुत ही कबल अज़ वक्त होगा क्योंकि वो तो पहली इनिंग थी, लेकिन वो जो एक कॉन्फिडेंस नजर आता है, जो एक कंपोजर नजर आता है, और सामने का जो बॉलर है उसका किसी किस्म का फियर ना लेना, किस तरह शाहीन के सामने बैटिंग की, किस तरह हारिस रऊफ के सामने बैटिंग की, क्योंकि बहरहाल कुछ भी है दोनों इस वक्त इंटरनेशनल बॉलर है, पाकिस्तान के मेन बॉलर है, और जिस तरीके से उसने जो है वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले और फिर मेनूवर करते रहना, जिस वक्त राइली रूसो अटैक कर रहा था तो उसने सिंगल सिंगल बनाए, पहली 5 गेंदों में 5 रन थे, लेकिन फिर राइली रूसो के जाने के बाद उसने चार्ज लिया और रन बनाने शुरू कर दिए। तो मैं बहरहाल ये सोच रहा था कि ये जिस तरह ख्वाजा नाफे बैटिंग कर रहा है, सऊद शकील बैटिंग कर रहा है, 33 मैचेस सऊद शकील बेंच पे बैठा रहा 4 साल तक, कोटा ने वैसे बड़ी ज्यादती की इस मामले में, क्या क्या नमूने जो है वो नवाज को पाला हुआ था इतने सीजन से, करता कुछ नहीं था, अब वही नेस्ती कराची में चली गई है, अब कराची का भी वही असर होगा, उसके अलावा उमर अकमल को खिलाए लेकिन चले जा रहे थे, कोई परफॉर्मेंस नहीं, यहाँ पे एक इफ्तखार को बहुत पाला स्ट्रॉन्ग हुआ वो था। चीज ये है कि ये शेन वॉटसन के आने से ना, ये असल में आप समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन जो माइंडसेट होता है ना, वो जो एक रुथलेस का, भाई के जो खेल रहा है खिलाओ, जो नहीं खेल रहा उसको साइड लगाओ, वो वाली अप्रोच जब तक नहीं आएगी, ये तो खून वाली बात होती है ना यार। अब हमारे यहाँ जैसे नेशनल टीम में आप देख ही रहे हैं, मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक के 20-20 साल के कैरियर हैं, और अब हम पिछले 4 सालों से एक ऐसे ऐसे प्लेयर को अपने साथ, अब 3 साल तकरीबन उसको भी हो गए, 3.5 साल नेशनल टीम का हिस्सा। बहुत से प्लेयर ऐसे होते हैं जिनका कैरियर नहीं होता, हम हर किसी को बड़े बड़े कैरियर देने के चक्करों में, हम जो एक प्रॉपर हमारे पास मिडिल ऑर्डर बैट तैयार हो सकती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसे प्लेयर, अब हफीज और शोएब मलिक का बार 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 तस्करा होता रहा है। अब सलमान अली आगा ने जो कल इनिंग खेली परसों, उससे अंदाजा हो रहा है कि वो उसको अगर आप, मैंने तो बोला भाई वो बहुत हैंडी क्रिकेटर है, टेस्ट मैच में 6वें 7वें या 8वें पे जो भी सेंचुरी बनाएगा ना, ये अश्विन का कैरियर देख लें या आप असद शफीक का कैरियर देख लें, ये 6 7 8 पोजीशन बहुत मुश्किल होती है रन बनाने वाली टेस्ट मैच में, अगर वो बना रहा है ना तो यकीनन उसके अंदर कोई ना कोई मेटल है, अब उसको प्रॉपर चांस देने की जरूरत। लेकिन आपको पता है फिर हमारे यहाँ कंपेरिजन के दरवाजे खुल जाते हैं, इसको उससे कंपेयर कर लो इसको उससे, तो वो फिर बेड़ा गर्क हो जाता है अच्छे खासे कैरियर। भाई मुझे तो बहरहाल इस बात की बड़ी, यानी एक आप कह लें कि ये खुशाइन बात है कि जिस तरह इस दफा क्वेटा ने सिलेक्शन की, प्लेयर्स इवन जो बेंच पे बैठे हुए प्लेयर हैं वो भी कई ऐसे प्लेयर हैं कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 15 या 20 पूरे करने के लिए लिए गए हैं, हर एक की यकीनन यूटिलिटी पता है कि कौन किस जगह इस्तेमाल हो सकता है, और बहुत ही अच्छा हुआ कि वो श्रीलंकन सर्कस बोर्ड ने हसरंगा को नहीं भेजा, क्योंकि फिर वो बीच से कॉम्बिनेशन टूटता, ये सारे मसले मसाइल होते। अब इस वक्त अच्छा अबरार और अकील हुसैन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छी विकेट टेकिंग इन्हें कराते हैं, शुरू में आके अपने चीप ओवर्स करा देते हैं, आखिर में विकेट्स लेते हैं, ठीक है एक आध ओवर तो जो है वो हर बॉलर का पिट ही जाता है, अबरार का भी एक ओवर पिटा, हसनैन का भी एक ओवर पिटा, वसीम जूनियर का भी एक ओवर पिटा, लेकिन एक फैक्टर जो आप यहाँ जहन में रखें, इस दफा जो मेजर फैक्टर आएगा पेशावर कोयटा की जो बॉलिंग में आ रहा है वो आमिर का इंक्लूजन है, जो आमिर ने आज 19वां ओवर कराया, सिर्फ 1 रन दिया, वो ये बेसिकली तो है। टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उस टाइम पर जिस तरह लाहौर के बैट्समैन खेल रहे थे, अगर वो उस ओवर में 10 से 15 रन निकाल लेते तो ये मैच जहां तक गया है ना ये इनके लिए मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि 200 रन अगर बोर्ड पे लगे होते ना तो 200 रन का अपना प्रेशर होता, और अभी वो जो एक थोड़ा सा कंफर्ट वाला था ना कि यार 200 नहीं है, 180 185 के आसपास है तो हम कर लेंगे। यू आर राइट।
अरे जी कल ब्रेक है, कल परसों ब्रेक का है? जाएगा मैच अब। हाँ जी कल कोई मैच नहीं है, नहीं, कल डे मैच ऑफ नहीं है है, इनके। मेरे ख्याल से देखते डे हैं। ऑफ है, लाहौर कलंदर का, और इसका बार बार मैच में तस्करा कर रहे थे कि डे ऑफ नहीं है नहीं इनके। कल मैच है, 20 तारीख है ना कल? हाँ जी कल कल 20। मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच, ओ अच्छा, मुल्तान में। चलिए तो अच्छा मैच होगा इसका मतलब। हाँ तो चलें यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह कल के मैच के बाद फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। ओके।